हेलो फ्रेंड वेलकम टू अतोलिया कोचिंग जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है डी के साइड पर भी एक नोटिस अपलोड हुआ है ये नोटिस है सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर सिक्स सेवन वन डेटेड ट्वेंटी फिफ्थ सेप्टेम्बर टू थाउजेंड ट्वेंटी यानी मतलब कि आज ही ये अपलोड हुआ है और ये देखिए किसके लिए है ड्रॉइंग टीचर पोस्ट कोड नाइन वन ऑब्लिक वन सेवन इन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन चलिए देख लेते डिटेल्स इसमें क्या कुछ है कब आया था अनाउंसमेंट कब हुआ था एग्ज़ाम कब हुआ और और ये किसके बारे में है ये देख लेते हैं the dssb by uh, advertisement number 04 oblique 17 had advertised 295 vacancies including oh 05 vh4 for the post of drawing teacher postcode 91 oblique 17 in doe white advertisement number 04 oblique 17 the board had conducted online written exemptions to the above postcode on 29th september 2018 right on the basis of offline examinations of tier 1 held on 29th september 2018 and having been found provisionally eligible as per uh, documents uploaded in support of educational qualification, age, etc., in accordance with the advertisement number so and so and RRs for the post of drawing teacher, postcode so and so, right, uh, uh, a total of 165 candidates were provisionally nominated for the post of drawing teacher, postcode, दिस वाई रिजल्ट नोटिस नंबर फोर फोर थ्री इसके पहले नोटिस नंबर आया था फोर फोर थ्री जिसमें कि एक सौ पैंसठ कैंडिडेट को सेलेक्ट किया गया था और ये रिजल्ट जो आया था ट्वेंटी सेवेंथ मई टू थाउजेंड नाइनटीन आया था एंड द कैंडिडेचर ऑफ नाइनटीन कैंडिडेट्स वो आज कैप पेंडिंग फॉर ऑफ डेफिसिट डॉक्यूमेंट जिसमें कि वन सिक्सटी फाइव का तो उसमें नॉमिनेशन हुआ था लेकिन इसमें से 19 कैंडिडेट ऐसे थे जिनका कि कैंडिडेचर पेंडिंग रखा गया था क्यों रखा गया था क्योंकि इन्होंने जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया था उसमें से कुछ डिफिसिट थे यानी कि वो कमी थी डॉक्यूमेंट में एंड देयर ई डोजियर वर्क रिकॉल्ड विद इफेक्ट ट्वेंटी नाइन्थ मई टू थाउजेंड नाइनटीन टू सेवंथ जून टू थाउजेंड नाइनटीन इनको एक मौका दिया गया था ई डोजियर अपलोड करने के लिए जिसकी जिसका टाइमिंग दिया गया था उनतीस मई से सात जून के बीच में फर्दर एलेवन कैंडिडेट्स

नोटिस नंबर सिक्स वन सेवन का भी एक रिजल्ट आया था जो है ना सेवन कैंडिडेट का जो कैंडिडेचर है वो पेंडिंग रखा गया था और एक कैंडिडेट का जो है उसको रिजेक्ट कर दिया गया था जिनको एक मौका दिया गया था सेकेंड अपॉर्चुनिटी अट्ठारह मार्च दो हजार बीस से लेकर के पच्चीस मार्च दो हजार बीस यानी कि इस बीच में नहीं कर पाया उसके बाद थर्ड पॉइंट देखिए क्या बोलता है नाउ द यूजर डिपार्टमेंट वाइज रिलेटेड नंबर सो सो एंड हैज़ द डोजियर्स ऑफ एटीन कैंडिडेट्स

तो इनको यानी कि बोर्ड को अट्ठारह कैंडिडेट और भी चाहिए थे तो इसने इन्होंने क्या किया कि इसमें जो वेटिंग पैनल जो तैयार होता है इसके पहले मैंने बता रखा कि वेटिंग पैनल क्या होता है तो वेटिंग पैनल में से एट्टीन कैंडिडेट का इनका सिलेक्शन किया गया है और फोर्थ नंबर बता रहे हैं अकॉर्डिंगली इन कंटिन्यूएशन और टू रिजल्ट नम, नोटिस नंबर फोर फोर थ्री डेटेड ट्वेंटी सेवन्थ मे टू थाउजेंड नाइनटीन सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस नंबर सिक्स वन सेवन डेटेड सिक्सटीन ऑफ मार्च टू थाउजेंड ट्वेंटी

और ओ के लिए यहाँ पर वन है ये जो रोल नंबर आपके सामने है एस के लिए भी वन कैंडिडेट है और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट बता रहे थे कैंडिडेट बियरिंग रोल नंबर दिस हैज अपलोडेड ए सर्टिफिकेट ऑफ फिफ्थ ईयर अंकन विभाकर इन पेंटिंग फ्रॉम बंग्या संगीत परिषद हुई इज एफिलिएटेड टू रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी फॉर जूनियर वर्कल सेक्शन एंड डिप्लोमा अवार्डेड बाय बंगिया संगीत परिषद राइट right. इसको भी चलो आप देख लेना उसके बाद देखो क्या है नेक्स्ट इसमें नाइन पॉइंट हैल्सो गेट द एस सी एस टी ओ बी सी पी एच ई एक्स एम एस एटसेट्रा सर्टिफिकेट वेरीफाइड यानी कि जो डिपार्टमेंट है वो हर तरह से चेक करके ही आप ऐसा किया है और बाकी जो कुछ रिमेनिंग प्रोसेस रह गया चेकिंग का तो वो भी कर लिया जाएगा एलेवन पॉइंट देखो बोल रहा रहे यूजर डिपार्टमेंट सेल इंश्योर दैट द अपॉइंटमेंट मेड

जिकली डिसबिलिटी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड इन दोजियर तो इनको क्या है इनका जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ दिख रहा है इनको एक मौका और दिया जा रहा है द कैंडिडेट बेरिंग रोल नंबर इज बींग गिवेन फर्स्ट अपॉर्चुनिटी टू अपलोड इनको एक पहला मौका दिया जा रहा है इन द डोजियर विद इफेक्ट उनतीस सेप्टेम्बर दो हजार बीस से लेकर के आठ अक्टूबर दो हजार बीस के बीच में इनको अपलोड करना है फेलिंग विच हर कैंडिडेचर विल भी रिजेक्टेड एंड नो फर्दर अपॉर्चुनिटी विल भी गिवन ऑन व्हाट्स ओवर ग्राउंड और यदि इस डेट दे के बीच में यानी कि उनतीस सेप्टेम्बर से लेकर के आठ अक्टूबर के बीच में यदि इन्होंने अपलोड नहीं किया तो फिर इनका कैंडिडेचर हो जाएगा रिजेक्ट और बाद में इनको कोई और मौका नहीं दिया जाएगा और द इजर लिंक सेल बी एक्टिवेटेड फॉर द एक कैंडिडेट्स विद इफेक्ट ट्वेंटी तो नाइन सेप्टेम्बर टू तो एट्थ अक्टूबर और इनके लिए जो इूजर लिंक एक्टिवेट रहेगा सेम डेट में रहेगा द रिजल्ट प्रोसेस फॉर द एब पोस्ट कोड स्टैंड्स क्लोज इन ऑल रिस्पेक्ट एक्सेप्ट पेंडिंग कैंडिडेट्स एलेवंथ नंबर में बोल रहा है जो पेंडिंग कैंडिडेट है उनको छोड़ के बाकी जो भी प्रोसीजर है वो सारा खत्म हो चुका है रिजल्ट प्रोसेस और उसके बाद फिफ्टींथ नंबर वेटिंग पैनल हुच वॉज वैलिड फॉर ए पीरियड ऑफ वन ईयर फ्राम द डेट ऑफ डिकलेन ऑफ द रिजल्ट अप टू ट्वेंटी सिक्स मे टू थाउजेंड ट्वेंटी ये तो ऐसे भी जा चुका है यानी कि जो वेटिंग पैनल तैयार होता है तो वो ऑनली वन ईयर के लिए वैलिड होता है और इसमें फिर आप देख सकते हैं सेवेंटीन नंबर में द कैटेगरी वाइज मार्क्स ऑफटेंड बाय द लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव बीन गिवन अन एजेंडर अन रिजर्व के लिए एटी मार्क्स और ओ के लिए सेवेंटी एस सी के लिए आप देख सकते हैं सारा ये डिटेल्स में दिया हुआ है ये मार्क्स ऑफटेंड है बाई डिफरेंट कैटेगरी जो कि लास्ट कैंडिडेट ने अचीव किया था उसका दिखा रहा है ये ये जो था एक इन्फॉर्मेशन जो कि ड्राइंग टीचर के लिए आपको बताया दिया गया ये सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस है और इसके पहले भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट नोटिस आया था और उसके पहले फाइनल रिजल्ट आया था जिसमें कि हम सारा हमने मैंसन किया तो यदि इस तरह की इंफॉर्मेशन चाहते हैं कि आपको भी लगातार मिलता रहे और यदि आप इस चैनल पर नए हो पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको यहाँ से लगातार मिलता रहे कुछ पूछना चाहते बताना चाहते कहना चाहते आप तो हमें कमेंट कर सकते हैं मिलते हम एक दूसरी वीडियो में जहाँ पर इस तरह की और भी हम बातें करेंगे तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने के सुनने के लिए समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ओके थैंक यू बाबा